हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड नीटिंग विद अनीता। देखिए, अब मैं कार्डिगन बनाने जा रही हूँ। इसमें हमने दो पैटर्न डाले हैं, मैंने दो डिज़ाइन डाले हैं। घटाई से नीचे मैंने एक ही डाला है, ये जो दिखा रही हूँ मैं, और घटाई से ऊपर हमने दूसरा डिज़ाइन डाला है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँ। इसके लिए देखिए, हमने ये स्वेटर मैं बना रही हूँ, तो इसको मैं कैसे हमने शुरुआत की है, इसके लिए मैं आपको, हमें इसमें 10-11 साल की बच्ची का मैं ये बना रही हूँ कार्डिगन आगे से खुला। तो इसके लिए हमें 400 और 500 के बीच में ग्राम के ऊन चाहिए, सब लगभग 450 ग्राम ऊन चाहिए हमें। कॉलर वाला हमने ये बनाना है, तो इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे उसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। ये मेरा बैक पार्ट हमने बनाया है, इसमें ये डिज़ाइन डाला हुआ है। इसमें मैंने दो डिज़ाइन डाले हैं, कंधे से नीचे मैंने ये डिज़ाइन डाला है, कंधे से ऊपर मैं जो डालूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो अब इसके लिए पहले मैं ये आपको बैक पार्ट में हमने 100 फंदे डाले हैं। नीचे कार्डिगन है तो कार्डिगन में हमारे को एक ही बराबर फंदे चाहिए होते हैं, हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने इसको 10 नंबर की सिलाई से ही बॉर्डर बनाया है, क्योंकि कार्डिगन हमारा नीचे से ढीला ढीला ही होता है। तो 100 फंदों के बाद मेरे को डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए दो फंदे और चाहिए थे, तो इसमें हमारे 102 फंदे हैं। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट में मैं 52 जितने डिज़ाइन के हिसाब से डलेंगे, तो मैं अब तो 50 डालती हूँ। आगे जब मैं बॉर्डर बना लूँगी, सिर्फ हमने यहाँ पर 6 सिलाइयों का इसमें बॉर्डर डाला है। जब मैं बॉर्डर कंप्लीट करूँगी या डिज़ाइन डालूँगी, तब हमारे, जैसे इसमें मेरे को दो फंदे एक्स्ट्रा चाहिए थे तो मैंने दो फंदे और डाले, उससे हमारा डिज़ाइन पूरा हुआ। इसी तरह इसमें भी अगर जैसे भी मेरे को डिज़ाइन की कमी लगेगी पूरा करने में, तो हम इसे करेंगे फंदे उस हिसाब से, एक दो फंदे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसमें हम, मैंने ये धागा लिया, इसको मैंने डबल किया। डबल करने के बाद यहाँ पर जहाँ जिस जगह हमारा फंदा, हमने धागा डबल किया हुआ है, उस जगह हम यहाँ पर से नॉट लगा देंगे, उस फंदे एक सिलाई में डाल लेंगे। अब यहाँ पर हम, ये देखिए, दूसरे डिज़ाइन वाले फंदे डाले हैं, तो एक फंदा सिंपल, दूसरे फंदे को हम इस धागे को इसके ऊपर से लेके जाएंगे, दो, एक फंदा सिंपल, दूसरा फंदा ऐसे, एक फंदा सिंपल और ये दूसरा फंदा, ये देखिए ऐसे हम करते हैं। ये जो अंगूठे की तरफ है एक धागा हमारा इस साइड में है, इस धागे को हम सिलाई पे डालेंगे, इस जो दूसरे लेफ्ट हैंड पे हमारा धागा है उस धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे और इसके बीच में से निकाल देंगे। एक में एक फंदा हमारा जो सिंपल हम डालते हैं, वो एक फंदा डबल धागे से पीछे वाले धागे को इसमें डाल लेंगे सिलाई में, और ये ऐसे हम उतार देंगे। इस तरह हम यहाँ पर 50 फंदे डालकर, इसके में बटन पट्टी मैं नहीं रख रही हूँ, बटन पट्टी हम बाद में बनाएंगे फंदे उठाकर। सिर्फ हम बॉर्डर 6 सिलाइयों का बॉर्डर बना के रेडी करके आपको दिखाते हैं। 50 फंदे मैं डाल लेती हूँ। अब ये देखिए, 6 सिलाइयाँ हमने इसमें बैक साइड में 6 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाई थी। अब ये 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद, अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हम पैटर्न डालना ये शुरू करते हैं। तो इसको हम कैसे डालते हैं, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, 5 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5 सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे,
फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे। इस तरह ही हम एक बार हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक बार पांच फंदे सीधे बनाएंगे और बीच में दो फंदे उल्टे उल्टे। इस तरह ही हमें भी पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तीन चार पाँच, एक दो, फिर ये एक। अब ये हमने पांच बनाए थे, अब एक सीधा उल्टे दो, फिर ये एक बनाया था, यहाँ पांच सीधे, दो तीन चार पांच हमारे सीधे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। अब हमने यहाँ पर पांच फंदे शुरू में हमने पांच फंदे सीधे किए थे, शुरू में हमने यहाँ पांच फंदे सीधे किए थे, तो अब यहाँ पर हम एक फंदा उल्टा बनाए, हम सीधा वाला करेंगे, यानी पांच के तो हम घटाई करेंगे, एक से हम बढ़ाएंगे। तो इसलिए अब ये हमारे पास सिर्फ दो बचे हैं, लेकिन अब हम एक फंदा यहाँ पर हमें, मैंने पहले भी आपको बताया था उसी हिसाब से ही मैं फंदे रखूँगी। तो अब इस एक फंदे को हम यहाँ पर कम पड़ रहा है तो उसको यहाँ पर बढ़ा लेंगे। दो फंदे लास्ट में हमारे उल्टे ही रहने चाहिए। इस तरह अब पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे, उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी उल्टी बनेगी। पट्टी नहीं रखनी है हमने इसमें, पट्टी में बाद में साइड में से उठा के सारे फंदे सारे जब बनाऊंगी तब यह फंदे सारी सिलाई को हम उल्टा बना लें। अभी हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब हम तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई दो फंदे उल्टे, अब ये हमारे पांच फंदे सीधे, इनमें हम एक दो तीन फंदे बना लेंगे, दो लास्ट में दो फंदों का एक फंदा करेंगे, दो फंदे उल्टे। अब ये एक फंदा सीधा है, इसमें हम धागा आगे सीधा बना लें, यानी हम जाली डालेंगे। अब ये जो घटाया हुआ था वो हमारा बराबर हो गया, दो उल्टे, फिर वही पांच फंदे हैं हमारे, तीन फंदे हम बना लेंगे, चौथे फंदे को दो का एक कर देंगे, ये फंदे दो उल्टे। फिर यहाँ पर फिर एक फंदा सीधा है, इसकी हम जाली डालेंगे। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी बनेगी। अब ये हमारी पांचवी सिलाई, दो फंदे हमारे उल्टे हैं शुरू में। अब हमारे पास यहाँ पर चार फंदे बच गए थे, एक फंदा हमने पांच में से एक कर दिया था। अब हम दो फंदे बनाएंगे, लास्ट में दो फंदे हैं उनका हम दो का एक कर देंगे, यानी हमारे पास पहले सीधे पांच थे फिर चार हुए, अब हमारे पास तीन बच गए, दो उल्टे। अब ये हमारी यहाँ पर जाली है, जाली से पहले जाली के ऊपर ही हम दूसरी जाली डाल देंगे, धागा आगे सीधा बना दिया, हमारी जाली डालेंगे, सीधा फंदा सीधा बनाना है, उल्टा दो उल्टे, वही चार फंदे फिर हैं, दो फंदे बना लेंगे, दो का एक करेंगे, दो उल्टे, फिर ये जाली है, जाली के ऊपर ही जाली डालते हैं। इस तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, रॉन्ग साइड उल्टी साइड हमारी सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनती है। अब ये हमारी सिक्स सेवन एट सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। अब नौवीं सिलाई, दो फंदे उल्टे। अब यहाँ पर हमारे घटाते घटाते दो फंदे रह गए, पहले फोर थे फाइव थे, फोर हुए थ्री हुए, अब यहाँ टू फंदे रह गए, दो फंदों में इसका हम एक फंदा बना लेंगे, दो फंदे उल्टे।
अब ये देखिए चार फंदे, यहाँ पर ये एक फंदा था तो एक दो तीन चार फंदे हो गए। अब ये वो एक जाली हम और डाल देंगे, पांच फंदे हो जाएंगे। अब ये हमारे पांच फंदे बन गए। अब दो फंदे उल्टे, दो का एक कर देंगे, जो पांच थे वो हमारे एक हो गए हैं और एक फंदा जो हमारा सीधा था वो हमारे पांच फंदे बन गए। दो तीन चार पाँच, दो फंदे उल्टे, ये दो हैं, दो का एक कर देंगे। अब इस तरह पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट डिब्बी, शुरू करेंगे। नेक्स्ट डिब्बी में हमने क्या करना है, शुरू में हमारे पास जो दो फंदे उल्टे थे वो हम उल्टे ही बनाएंगे। उसके बाद एक फंदा जो हमारे पास था उसकी हम जाली डाल देंगे। जो बीच में दो फंदे उल्टे हैं वो हमने हमेशा उल्टे ही चलते रहेंगे। ये जो एक फंदा सीधा है और पांच फंदे सीधे हैं, इन्हीं के ऊपर ही हमारा पैटर्न चलेगा। अब ये जो पांच फंदे आए हुए हैं सीधे, उसमें एक दो तीन फंदे हम बना लेंगे। यहाँ पर हम दो का एक करेंगे, दो उल्टे ही चलेंगे। एक फंदा ये जो पांच का एक हो गया था उसमें अब हम जाली डालेंगे, धागा आगे और ये सीधा बना लिया, हमारी एक जाली बन गई। दो उल्टे हैं वो उल्टे ही चलेंगे और ये पांच हैं इनको हम दो तीन बना के चौथे फंदे को दो का एक कर देंगे। दो फंदे जाली, दो फंदे उल्टे, पांच फंदों में को हम चार बना देना है, तीन और ये चार, दो उल्टे एक सीधा है इसकी जाली डालनी है, दो उल्टे एक दो तीन, इसको हम जाली डाल लेंगे, दो उल्टे और अभी पांच फंदों को चार बना देंगे। तीन फंदे बना लिए, दो का एक किया। अब ये दो फंदे हमारे लास्ट में उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टी सिलाई उल्टा बना लेंगे। इस तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट की है हमने, उल्टी सिलाई हमारी उल्टी है। इस तरह हम ये बनाते चले जाएंगे। इसके बाद मैंने कंधे के बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए दूसरा डिज़ाइन डाला है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अब ये एक डिब्बी पूरी होने के बाद दूसरी डिब्बी हम शुरू करते हैं, तो उसके बारे में एक बार और बता देती हूँ मैं। दो फंदे हमारे शुरू में, अब ये हमारी दूसरी साइड है, तो मैं यहाँ पर एक साइड में मैंने इधर थ्री किए हैं, अब इस साइड में मैं शुरू में फर्स्ट में थ्री करूँगी। थ्री फंदे बनाने के बाद अब ये जो पांच का हमने यहाँ पे एक किया था उसके साथ उससे पहले सीधे फंदा बनाएंगे और जाली डाल देंगे। दो फंदे ये हमारे उल्टे हैं, ये हमेशा उल्टे ही चलेंगे, लास्ट तक ये उल्टे ही चलेंगे, इन सीधों पे ही डिजाइन डलेगा। अब ये पांच हमारे सीधे आ रहे हैं, उसमें से शुरू में वन टू थ्री फंदे सीधे बना लेंगे, दो का एक कर लेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और यहाँ पर ये फिर हम दो का एक, ये पांच फंदों का हमने एक फंदा बन गया, यहाँ से हम जाली डाल देंगे, दो उल्टे, पांच सीधे हैं इनमें से हम तीन बना लेंगे और ये दो का एक करेंगे। इस तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और इसी तरह हम डिज़ाइन डालते जाएंगे। पांच से हमारा एक बन जाएगा, एक से फिर हम पांच बनाते चले जाएंगे। इसी तरह हमारी रॉन्ग साइड हमारी हमेशा उल्टी बनेगी। उम्मीद है मेरे को आपको मेरा डिज़ाइन पैटर्न पसंद आया होगा। आगे मैं जैसे भी बनाऊंगी दूसरा, इसके ऊपर मैंने देखिए दूसरा वो डाला है, कंधे से ऊपर हमने दूसरा डिज़ाइन डाला है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे भी आगे बढ़ाएं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।